6 बज गए, अब जाके गाड़ी मिली है। पूरा दिन आज वेस्ट हुआ है। अभी क्या कहानी है, इतना फेडअप हो गया हूँ मैं, इतना फेडअप हो गया हूँ। कुछ कुछ ऐसा होता है, कभी दिमाग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, दिमाग खराब हो, मूड ऑफ हो, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें देख करके ना मन थोड़ा सा फ्रेशन हो जाता है। जैसे इनमें वहां से ही जल्दी फ्री हो गए, यहाँ गाड़ी का कुछ सीन ही नहीं पता चल रहा है भाई। 4 बज गए, 4:15 हो गया, मैंने पूछा भाई गाड़ी कब दोगे यार, आज की डेट में दोगे नहीं दोगे? बोल ओ भाई गाड़ी ठुक गई। लो कौन आया हुआ है? द्वारका सेक्टर 17 में मोदी जी आए हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, आपने शायद शायद ही ऐसा कहीं देखा हो। सैलून वालों को ही घर बुलाना पड़ गया भाई आज तो, क्या मजबूरी हुई है। भैया कैसा लगा, फर्स्ट टाइम हुआ वैसा? हाँ जी मैम, पहली बार आ रहे हैं ऐसे। Hey guys, good morning, welcome back to another vlog. तो कैसे हैं आप लोग भैया आज के? राम राम। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जरा नॉर्थ के लोग जरा कमेंट करके बताएं कि बढ़िया है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तब भयानक गर्मी पड़ रही है। मतलब क्या ही बताएं, मई तो ऑलमोस्ट मिड मई तो हो ही गया है, ज़्यादा ही हो गया है, और इतनी गर्मी, मतलब ये लग रहा ना, वैसा तो गर्मी हमेशा पड़ती ही है, हम लोग यूज़ टू हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी को ज़्यादा ही कुछ प्रकोप दिखाने वाली है। न्यूज़ पे न्यूज़ आए जा रही है कि टेम्परेचर 50 डिग्री जाएगा, तो हीट वेव्स आ रही हैं, तो ये तो वो ये वो तो वो, तो भाई कुछ मत कहो, गर्मी इस बार पड़ने वाली तो भयानक है। वही सब है ना, वेदर एकदम अनप्रडिक्टेबल हो गया, कभी अचानक से ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी गर्मी पड़ रही तो गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है। अभी यहाँ दिल्ली में लगभग 44-45 डिग्री जा रहा है। अभी फोरकास्ट देखा तो ये आने वाले संडे में 46-47 दिखा रहा है। साउथ में जब बैंगलोर गए थे तब वहाँ पे बहुत गर्मी हो गई थी, लेकिन अभी वहाँ पे इतना प्रेजेंट वेदर हो गया है, हर दिन मतलब आए दिन वहाँ पे बारिश हो रही है, तो वहाँ के लोगों को मौज हो रही है। अब बचे उत्तर भारत के लोग तो भैया सब, यहाँ तो यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी ऐसी तैसी हो रखी है, मतलब जहाँ टेम्परेचर 20-24 या 28 डिग्री, मतलब विद इन 30 डिग्री रहना चाहिए, वहाँ भी 40-42 जा रहा है। जैसे इधर कल कौन सी न्यूज़ में देख रहे थे कि उसमें पहाड़ों पर भी बहुत धूप होने लग गई है, तो क्या कर सकते हैं, गर्मी तो काटनी पड़ेगी। तो वैसे तो हर जगह न्यूज़ आ रही है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, अपना ख्याल रखें, पानी मतलब हाइड्रेट रहें, कुछ मतलब ऐसे लिक्विड वगैरह पीते रहें ताकि किसी को दिक्कत ना हो। जितना हो सके बाहर निकलें अगर, तो पहन ओढ़ के निकलें, मतलब वो लपेट लें कुछ स्टॉल गमछा जो भी, मतलब ऐसा खुली खोपड़ी करके मत निकल जाना, तो बहुत इस समय असर कर रहा है। तो अभी नहा धो के पूजा पाठ करके बैठे हैं, आज जा रहे हैं अपनी गाड़ी वर्कशॉप से लेने, उसका काम हो गया है फिलहाल। अभी उसका मतलब सुबह ही कंफर्मेशन आया है, बोल रहा कि आप 12 बजे तक आ जाओ, 11 तो बज ही गया है। तो अभी नहा धो के सब पूजा पाठ करके बैठे हैं, मम्मी गई हैं मंदिर, सुनिए अपना नाश्ता वास्ता बना रही है, नाश्ता वास्ता करके फिर निकलते हैं बाहर। और बाहर बहुत धूप होने वाली, पानी इतना गर्म आता समय नहाने का कि आप बिलीव नहीं करोगे कि अब बर्फ़ जमाना शुरू कर दिए, और पानी में बर्फ़ डाल के नहाना स्टार्ट कर रहे हैं, आज ही स्टार्ट किया, मतलब इतने से देख रहे थे कि पानी है, सुबह 8 बजे भी नहाओ तो पानी इतना गर्म, तो क्या ही हाल होगा आगे तो कुछ पता नहीं, अभी तो पूरा जून बाकी है। तो गाइस फिलहाल अभी 11:30 हो गए और हम लोग हो गए रेडी, सोनिया भी रेडी हो रही है, अभी लगभग 15 मिनट मान लो 15 मिनट बाद निकले, आप 12:30 तो पहुंच जाएंगे, कैब कर लेंगे। अभी तो मन में दुख 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 हो रहा है, बाहर गर्मी इतनी हो रही है, धूप इतनी तेज़ हो रखी है, अभी से दिन का तो छोड़ ही दो, लौटते लौटते कम से कम 1-2 तो बज ही जाएगा, क्योंकि हमें महिपालपुर जाना है, तो महिपालपुर खैर है तो बगल में ही, लेकिन जाने में टाइम लगता है थोड़ा, ये वो हाँ बहुत गर्मी होने वाली है भाई साहब, और इसके चलते तो ये बाल और ये सब बाबा बना हुआ हूँ और गर्मी लग रही है। आज वेडनेसडे है, तो आज हर हालत में अपना ये मेकओवर चेंज करना है, जानवर से इंसान बनना है, तो वो आकर के देखेंगे शाम आम में देखूंगा उसका। अभी फिलहाल वहाँ जाते हैं, पहले गाड़ी का काम निपटा जाते हैं, गाड़ी आ जाए तो थोड़ा ये सुकून रहेगा, कहीं आना जाना हो निकलना बैठना हो तो इधर उधर ये सोचना ना पड़ेगा, क्योंकि कैब में भी जाओ तो मतलब कहीं ए सी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा अपनी गाड़ी में, तो ए सी जितना मर्जी चला लो, जितना तेज़ चलाना चला लो, वो सब रहती है उलझन। और इनको मैडम को तो वैसे ही बहुत गर्मी लगती है, तो फिर वो ए सी का बड़ा इशू हो जाता है, कैब में बार बार बोलो, फिर अपनी गाड़ी सही रहती है। तो अभी फिलहाल कैब बुक करते हैं, जैसे ही रेडी हो जाती हैं उसको, जब कैब आती है तो निकलते हैं। भैया बाहर की गर्मी देखते हैं फिर क्या हाल चाल है बाहर। टाइम लग जाएगा, जैसे इधर महिपालपुर या गुड़गांव जाना होता ना तो ये रोड चलता है सीदा, तो मुंबई चलाना ज्यादा इजी है या दिल्ली? अभी तो उन्होंने भी इतना कहां निकालो, ट्रैफिक है, ट्रैफिक कम है ना। हां
दिल्ली में रोड चौड़ी है, यहाँ पे सुबह शाम मिलेगा बहुत, क्योंकि ये वाला रोड शाम में आओगे वापस ना का जैसे 5 बजे के आसपास और रात में 10 बजे तक अथा भीड़ रहती है, क्योंकि पूरा गुड़गांव का ट्रैफिक इधर आता है ऑफिस वाले सब लौट के। गाइस 6 बज गए अब जाके गाड़ी मिली है, पूरा दिन आज वेस्ट हुआ है। अभी क्या कहानी, इतना फेडअप हो गया हूँ मैं, इतना फेडअप हो गया हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत लंबी राम कहानी बन गई एक तरीके से, अभी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगा, पहले थोड़ा जाम हम क्लियर कर लें, आगे थोड़ा खुला रोड आए शांति से आपको बताऊँगा कि हम लोग जब वहाँ शोरूम पहुँचे सॉरी वर्ली शॉप पहुँचे तो उसके बाद गाड़ी इतनी जल्दी क्यों नहीं मिली। इस बार फाइनली हम लोगों ने द्वारका एक्सप्रेस वाला फ्लाईओवर ले लिया, पिछली बार आए थे यहाँ पर नीचे सर्विस लेन में घुस गए थे और भाई कितना हमारा जाम में फंसे थे, फिर आगे जा करके यू टर्न करके उमराव के पास से आकर के तब जा करके ये लिया था, लेकिन अभी इस बार हमने बढ़िया चढ़ गए। ये सही है गुरु, अब सीधा उधर यू घूमते हुए सीधा उधर पहुँच जाएंगे। बहुत थकान हो गई आज, सनसेट होने आया है अभी, तो खैर इनको 1.5 घंटा लगेगा, अभी तो 6:05 हो रहे हैं, 7:30 तक ये सनसेट हो जाएगा। इधर दिख रहा है एयरपोर्ट, काफ़ी दिनों बाद अपनी गाड़ी चलाते हुए बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। भाई आज का दिन उन्होंने वाकई बहुत ख़राब कर दिया, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक, वो छोड़ो ये सामने रौनक देखो एयरपोर्ट की, सामने फ्लाइट उड़ते हुए भाई, ये तो पहले कभी नहीं दिखता था, क्या बात क्या बात, अरे जी यार मजा आ गया। परसों मैं रात में कैब से आई थी, पूरा चमचमाता हुआ दिख रहा था, क्या बात मजा आ गया यार। कुछ कुछ ऐसा होता है कभी कोई दिमाग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, दिमाग खराब हो, मूड ऑफ हो, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती जिन्हें देख करके ना मन थोड़ा सा फ्रेशन हो जाता है, जैसे इनमें से एक एयरपोर्ट था देख के मजा आ गया। इधर तो अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, चलो फटाफट घर पहुंचे यार, तब कुछ आपसे बताएं यार, अभी तो ऐसा लग रहा बस सीधा घर पहुंचे, चाय वाय पिए यार। और इधर काम द्वारका एक्सप्रेस वे पे जो बीच में टनल वनल का है वो भरपूर चल रहा है, ये भी लगभग 1-1.5 साल में अंदर टनल का जो काम बचा हुआ है वो हो जाएगा, ऊपर सब तो हो ही गया है, नीचे नीचे जो टनलों का काम चल रहा है ना साइड साइड में ये चल रहा है बढ़िया, इसमें टाइम लगेगा। बाकी गड्डी अपनी पूरी तरह से ठीक हो गई, बढ़िया एकदम नई हो गई, दोनों पॉलिश वॉलिश लग गई, एकदम चमक गई, मेकअप हो गया है, ये उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया फ्रेगनेंस के लिए, 1-2 फाइबर क्लॉथ दे दिए हैं गाड़ी वाइप करने के लिए, पोंछने के लिए जो फाइबर क्लॉथ होते हैं वो दे दिए। चलो यार जाम से निपटे फिर कुछ बात करें। गाइस अभी पैर में राइट थाई में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि दिन भर आज ऐसे खड़े खड़े इधर उधर टहलते टहलते सब चीज़ें निकल गई तो पैर एकदम दर्द होने लगा, तो अभी बड़ा अनकम्फर्टेबल, तो कल रात से ही पैर दर्द कर रहा था, वो एक लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना जैसे बाव आ जाता है कभी अचानक से, ऐसे अजीब सा दर्द होने लगता है पैर में, वो बेचैनी वाला, तो वो हो रहा था आज भी कंटिन्यू रहा, आज इधर खड़े बड़े रह गए थे टहले हुए तो उसमें और वो बढ़ गया, मैंने गाड़ी इसको दे दी, मैंने कहा चलो तब तक आपको कुछ बताएं आज क्या हुआ हमारे साथ। हम लोग वहाँ से घर से निकले कैब पर शोरूम, मतलब शुभारवा शोरूम बोल रहा हूँ, वर्कशॉप पहुँचे पता चला गाड़ी अभी गाड़ी में लगेगा टाइम, गाड़ी अभी वॉश नहीं हुई है कुछ भी उस पर, मतलब वॉशिंग और रबिंग पॉलिश वगैरह कुछ नहीं हुई है, गाड़ी 5 बजे मिलेगी। मैंने कहा यार 5 बजे मिलेगी, 12 बजे बोला है कि आ जाओ 5 बजे मिलेगी, बोले नहीं वो अभी गाड़ी वॉश नहीं है, वॉशिंग पर लगी है थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैंने कहा यार देख लो यार थोड़ा जल्दी कर दो, ये कर दो वो कर दो, बोले कि शाम में 4 बजे मिल जाएगी, 4 बजे हाँ 4 बजे रेडी हो जाएगी। सब देख के आया, गाड़ी पीछे खुली हुई थी, पीछे बम्पर खुला हुआ था, वो वॉश करके मतलब पेंट वेंट हो रखा था, वॉश वॉश करके लगाना था। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है 4 बजे तक दे दोगे, बोले हाँ 4 बजे तक दे देंगे। इन्होंने सजेस्ट किया कि बगल में बसंत कुंज का मॉल है, बसंत कुंज यहाँ पे तीनों मॉल है एम्बियंस प्रोमनेड और जो भी है, तो वहाँ चल लेते हैं फिर 4 बजे दे देंगे, तो 3:30-4 बजे तक यहीं आ जाएंगे। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, जब आए हैं तो गाड़ी लेकर की जाने तो फिर इतना पसड़ रहेगी, निकले भी और कुछ लिया भी नहीं। हम लोग मॉल चले गए, मॉल में जाकर के पहले तो हल्का फुल्का खाया पिया, एक तरह से लंच किया, वहाँ बैठे वेट किया। अब मॉल में ऐसा तो है नहीं कि सब जगह सोफा लगे होते हैं, शॉपिंग भी तो की है बताओ। अब वो तो शॉपिंग थोड़ी बहुत कर ली, वो तो पहुंचे थे तो कुछ देख लिया, कोई टाइम पास जो करना था तो एक आध चीजें कुछ ले ली। अब फूड कोर्ट में इतनी गर्मी के दिमाग खराब हो जाए भाई,
एसी ढंग से कुछ वर्क नहीं कर रहा है, फिर इधर वहां से निकले खा पी के, इधर तो शॉपिंग, इधर मतलब शॉप में गए, एक जगह काउच पड़ा हुआ था तो बैठे, मतलब वहां पे मैं बैठा, इन्होंने अपना देखा सुना, इनको कुछ समझ नहीं आया, नहीं लिया, फिर बैठे रहे फिर इनको एक बगल में इनको मीटिंग असाइन हो गई वहीं वसंत कुंज की, तो ये अपना कैब करके निकल लेंगे, बोले अगर गाड़ी आ जाती मुझे पिक करके वापस घर निकल चलेंगे, वहां से ही जल्दी फ्री हो गए, यहाँ गाड़ी का कुछ सीन ही नहीं पता चल रहा है भाई, 4 बज गया 4:15 हो गया, मैंने पूछा भाई गाड़ी कब दोगे यार, आज की डेट में दोगे नहीं दोगे, बोलते हाँ अभी बस गाड़ी वॉशिंग हो रही है, ये ड्राइवर जैसे अरेंज होता है भिजवा देते हैं, ये बात वो बात करते करते 4:30 हो गया, 4:45 हो गया, ये भी आ गई, ये फ्रस्ट्रेट हो रही थी, फिर इसने बात करी थोड़ा सा बजाया कि भाई ऐसा क्या है, पहले बताते 12 बजे नहीं आते, हम लोग शाम में ही आते, 12 बजे बुला के बैठा लिया ये सब वो सब, फिर कैसे कर तरह के हम लोग फिर फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर मैंने कहा चलो यार ये, हाँ फिर उसका मैसेज आया कि सर गाड़ी तो रेडी हो गई पर ड्राइवर नहीं मिल पा रहे, जो पा रहा है, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा क्या करा है, फिर उन्होंने कहा क्या कर भाई चलें, मैंने कहा यार चलो ना ये ऐसे यार पूरा शाम भी बर्बाद करेंगे और ये पूरा ड्रामा हो गया, पूरा दिन वेस्ट तो हो ही गया, फिर हम लोगों ने कैब की, फिर वहाँ वर्कशॉप पहुँचे, देखा गाड़ी लगी हुई है उस पर, पोछा पाछी चल रही है, फिट कर दिया है सब, देख लिया सुन लिया, फिर पेमेंट वेमेंट कर दिया भाई, पेमेंट पहले हो जाती चलो ठीक है, होनी भी है सब चीज़, पेमेंट पहले ही होती है हर चीज़ की, फीडबैक भी तुरंत ही लेना है इन्हें सामने खड़े खड़े ही, मतलब ये भी नहीं कि आप कोई बाहर लो, बाहर पहुंच जाओ तो फीडबैक भी तुरंत लेना है, मैंने सब पे गुड 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 और किसी पे बैड बैड करके और रिकमेंडेशन पे कि आप किसी को रिफर करोगे मैंने 0 कर दिया, मैं भैया किसी को रिफर नहीं करूंगा, दोबारा विजिट भी नहीं करूंगा, फिर उसके बाद सब पेमेंट करके वो गाड़ी वाड़ी देख करके फिर अंदर वहां गए, तो उन्होंने वो देखा होगा कि फीडबैक बेकार मिला है, तो बोले सर ऐसा ये थोड़ा कभी कभार हो जाता है ये बात वो बात, मैंने कहा भैया ऐसा है जो ऑनेस्ट था वो चीज़ मैंने दे दिया ये बात हुआ, फिर उसने वो एग्जीक्यूटिव को भी मतलब थोड़ा सा मतलब गरिया है कि तुम लोग ऐसे करते हो 12 बजे बुला करके बैठते हो ये वो ये कब करके, मैंने कहा देखो ऐसा है भैया आप गाड़ी दे दो, अब हमें ना हमें फीडबैक से मतलब ना कुछ, हम गाड़ी लेके निकले क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, पूरा दिन का लॉस हो गया, कई चीज़ें काम देखना होता है वो सब बेकार हो गया, फिर गाड़ी वाड़ी चेक करी, पूछ गई थी गाड़ी साफ सुथरी गाड़ी आ गई थी, गाड़ी वाड़ी चेक करी, उसके बाद अपना सीधा बैठे, फिर वो आया उसने रिक्वेस्ट करी कि यार सर छोटा भाई समझ करके फीडबैक सही दे दो, दिक्कत हो जाती है ये बात हुआ, कभी कभार ऐसा हो जाता है, मेरे अचानक से वहाँ मीटिंग आ गई थी ये हुआ, मैंने कहा चल ठीक है दिया मैंने फटाफट सब पे एक एक करके साइन वाइन करके सब पे आराम से निकाल के सब पे करके दे दिया, तो वो भी खुश हो गया, इससे बोलता है मैडम सर को बोले छोटा भाई समझ करके ये कर दे, मैंने कहा भाई छोटे भाई तुम ऐश करो, दूसरे की तो वाट लगा देते हो और फिर कहते हो ये नहीं वो नहीं, अभी रास्ते में जाम से भाई ये आफत आ रही है, उधर ये प्लेन उतर रहा है DHL का है, लॉजिस्टिक का है कार्गो, और यहाँ पे देख लो भसड़ लगी हुई है द्वारका, यू टर्न बंद कर देना चाहिए, गाड़ी तो बढ़िया लग रही है यार, कौन सी है BMW की X5 है क्या इलेक्ट्रिक, और यहाँ सब भसड़ लगी पड़ी है यार, सोचा था जाम नहीं मिलेगा लेकिन ये यू टर्न ना ऐसा घुसेड़े रहते हैं, लेफ्ट करो लेफ्ट करो लेफ्ट करो लेफ्ट करो, जाम इन यू टर्न की वजह से, हां लेफ्ट करो देख के लेफ्ट करो, ओ भाई गाड़ी ठुक गई लो, इतनी जल्दी थी, देखो गाड़ी ठुक गई है, दो गाड़ी लाए और गाड़ी ठुक गई, फिर से गाड़ी ठुक गई उसकी, देखो कैसे गाड़ी डैमेज हो रखी है, क्या करते हैं लोग जल्दबाजी में, चलो क्या ही कर सकते हैं, देखो फालतू में इतना इन्होंने ड्रामा कर लिया और देखो नुकसान हो गया, क्या जरूरत थी इतना हौच पौच करने की, हम लोगों ने भी धीरे धीरे किलिस के देखो इतना शामी होगी ना, हड़बड़ाए तो नहीं कि नहीं हमें चाहिए चाहिए, अब कर रहे हैं वेट तो कर रहे हैं, करना पड़ता है यार क्या कर सकते हैं, लेकिन देखो फालतू में आगे तो खाली है, यहाँ इसी वजह से जाम लगा हुआ था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या ही है उसका आगे का, ये राइट साइड का तो पोर्शन बेकार ही हो गया, उधर वो क्रेटा खड़ी थी शायद क्रेटा का साइड से कुछ लगा है, पता नहीं क्यों लोग इतनी जल्दबाजी करते हैं, ये भूसा भूसा भैया तुम आराम से चलाना और हम भी आराम से चलाने, बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिलती है, साथ क्या पूरा पिछले लास्ट मंगलवार को डाली थी, मंगलवार से मंगलवार हो गया बुधवार, मतलब आठवां दिन हो गया, कहीं बाहर भी नहीं निकल पाए, और बहुत चीज आती गर्मी इतनी हो रही है कि मतलब इधर तो कहीं भी जाओ अब घर से उतर के गाड़ी में बैठ जाओ कैब है कहीं आ रही है नहीं आ रही है, भैया आजकल कैब करने में इतना टाइम लग जाता है कि पूछो मत, आधा आधा घंटा सिर्फ कैब करने में टाइम लग जाता है, वो सर्च ही करता रहता है लोकेटिंग योर ड्राइवर सच में, एक तो खैर है देखो जो यूज टू हो जाता ना तो फिर उसको लगता है कि आपकी अब उसमें देखो चीज है, जैसे कोई बाइक का यूज टू हो जाता है कि मैं बिना बाइक के एक कदम नहीं चल सकता, बिना कार के एक कदम नहीं चल सकता, बिना मेट्रो के नहीं चल सकता, बिना फ्लाइट के कहीं जा ही नहीं सकता, वो सब चीजें हैं, लेकिन
दिक्कत हो जाती है। और फिर इतनी भयानक गर्मी में यार कोई क्या ही करे, कोई सोचे भी ना कि थोड़ा सा वो कर लें कि अपने से ही चल कुछ कर लें, तो फिर नहीं हो पाता है। फिलहाल अभी द्वारका क्या ये अंडरपास पहुंच गए हैं जो सेक्टर 21 के पास है। 6:15 हो गए हैं यार, बैंड बज गया आज, राइट लेग एक तरह से पेन कर रहा है, थाई में वो उसी वजह से सोच रहे हैं। अरे जब भी यहाँ बढ़िया लगता है, ऊपर चले, अरे ऊपर नहीं चलना, तो नहीं घर चलते हैं पहले। लंका लगी पड़ी है तुम्हारे, पता नहीं पेशेंस से मेरे तो जवाब देगा भाई, मेरे से शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कहीं जाऊँ। जाके थोड़ा पैर देखेंगे क्या ही है, उसमें दवाऊंगा इसी में चढ़ के बैठ जाऊंगा। सनसेट बहुत बढ़िया लग रहा, करो ये सामने यशभूमि के सामने काम अभी भी चल ही रहा है। ये वाला बस कनेक्ट हो जाएगा ना, तो हमें उधर से जो भी उधर द्वारका साइड से आता है उसके लिए आसानी हो जाएगी। ये तो अभी नीचे नीचे जा करके आगे जा करके द्वारका सेक्टर में कनेक्ट होंगे, और ये अंडरपास बन गया है तो ये बढ़िया है। ट्रैफिक मूवमेंट बहुत अच्छी हो रखी है, सुनने में आया कि कौन आया हुआ है द्वारका सेक्टर 17 में, मोदी जी आए हैं द्वारका सेक्टर 17 में, आए हैं कहीं वेगस मॉल है कोई, वहाँ पे मोदी जी आए हैं, उसी चक्कर पूरा ट्रैफिक का मूवमेंट लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, और ये देखो ये आर्मी और ये सब जो भी ऐसे है, सब जो भी है सब लगे हुए हैं, और ट्रैफिक इसी चलते और ज्यादा लगा हुआ है। पता नहीं मोदी जी वैसे क्या आन पड़ेगी, क्या शॉपिंग करने आए, चुनाव चल रहे हैं, कुछ नया कलेक्शन आया है तो चुनाव वाला शॉपिंग करने आए वो। मैं को वही काम, इतनी सिक्योरिटी अचानक से कहां से दिख गई। जब हम निकले थे ना गाड़ी लेके जा रहे थे, तब फोन आया था मेरे पास कि आप आ रहे हो, मैंने कहा मैं तो आऊंगी नहीं, गाड़ी पिकअप करनी है। कह रहे अरे मैं करवा देता हूं। कितने उम्दा विचार रखते हैं ये, करते मैं करा देता हूं। फिलहाल देखोगे तो काफी सिक्योरिटी है भैया। मैं वही मैंने वही सडनली कहा, सुनिए इतना ये ट्रैफिक पुलिस यहाँ इतना दिखती नहीं है, ये अचानक से कहाँ आ गया। अभी ये देखने में मिल रहा है सिक्योरिटी का, ये सिक्योरिटी कह रहा हूँ, ये सिक्योरिटी वाले जो पर्सनल हैं ये सब दिख रहे हैं ना, तो पता नहीं इस रूट से वो निकल के गए हैं या अभी जाएंगे। अरे वो इस रूट से निकल के अपनी गाड़ी चेक करने गए थे। साढ़े 6 होना आ रहा है यार, ये जब वो कहते ना, जब आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत थका हुआ होता है ना, तो उसको और उतना ही टाइम लगता है घर पहुंचने में, वो और उतना ही एग्जॉस्ट और फ्रस्ट्रेट होता जाता है। तो गाइस लगभग 6:50 हो गया, नहीं लगभग 7 तो मान ही लो, 5 मिनट में बस आए हुए, पानी नहीं पिया, हाथ मुंह धोया है और बस बैठे हैं भाई। ट्रैफिक इतना यूजुअल रहता है, लेकिन बताया ना वो थोड़ा सा जो पीएम की सिक्योरिटी चलते बहुत ज़्यादा जाम हो गया था, कहीं ट्रैफिक पुलिस इधर डाइवर्ट कर रही उधर डाइवर्ट कर रही, उस चक्कर में और जाम लग गया। लेकिन चलो फिलहाल घर आ गए, लगभग हम लोग 12:15 कह रहा हूँ, 12:15 के निकले हुए थे। आज दिन पूरा ऐसे ही पूरा वेस्ट हो गया है यार, ना कुछ काम धंधा हुआ ना कुछ हुआ, ऐसे ही बेफालतू में वेस्ट हो गया। गुस्सा तो लगती है यार और फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन फिर चलो ठीक है, उसने बोला कि कभी कभार ऐसा होता है, अब क्या ही बोल सकते हो। फिर वो बोला कि छोटे भाई समझ के फीडबैक ठीक कर दो, कर दी मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है यार, इतना वो भी नहीं होना चाहिए यार, थोड़ा सा सॉफ्ट रहना चाहिए। अभी फिलहाल चाय वाय पियेंगे, मम्मी नहाने गई क्योंकि उनको शाम की पूजा करनी होगी, तो वो अपना अभी नहा धोकर अपना पूजा करेंगी, अभी चाय पीते हैं, उसके बाद खाना पीना डिनर वनर का देखेंगे। हर्ड तो आज फुल हो गया है, लेकिन फिलहाल गाड़ी का काम हो गया है, पीछे मैंने चेक किया टेल लाइट एकदम न्यू लग गई है, बिल्कुल एकदम ऐसे मुझे ऐसा लगा नहीं कि रिपेयर की, पूरी नई की नई है। और जो रिपेयर वाला पार्ट था वो भी रिपेयर हो गया, और जो रिप्लेस होने वाला पार्ट था जैसे कुछ प्लास्टिक का पार्ट था वो चेंज हो गया, जिस पे जैसे ये जो ब्रिजा लिखा हुआ है इस पे ये पूरा चेंज हो गया। नीचे बम्पर भी ठीक कर दिया है, जो बीच में पहले दबा हुआ लगता था वो उसको ठीक कर दिया। तो फिलहाल कुल मिलाकर के पीछे देखा है आपने, पूरा सब कुछ सही हो गया फिलहाल, तो चलो ये काम निपट गया आज, बहुत ही अटक रहा लेकिन निपट गया। चलो फिलहाल चाय वाय पीते हैं फिर डिनर का डिनर देखेंगे। गर्मी का आलम ये हो रखा है कि एसी की भी कूलिंग अब कम हो गई है, ऐसा लगता है जैसे एसी की हवा भी टाइट हो रखी है, पहले एसी बहुत ठंडा रहता था, अभी क्या अभी एसी चल रहा होता है तो अभी पता चलता है कि मतलब चल रहा है कि नहीं चल रहा, भाई क्या हो गया, ठंडा हो रही नहीं हो रही है। तो गर्मी जैसे जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता ना, तो फिर जल्दी से वो टेम्परेचर वो नहीं हो पाता, एडजस्ट नहीं हो पाता। फिलहाल आज गाड़ी का काम हो गया, जो मेन था उसको बहुत ज़रूरी था आज वो निपटा लिया, हालांकि पूरा दिन वेस्ट हो गया, हेडक हो गया, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन भी हो गई, लेकिन
गाड़ी का काम ठीक ठाक हो गया, एक आध दिन बाद या नेक्स्ट वीक मैं करोल बाग जाऊंगा, तो एक आध चीज़ें तो मतलब दो तीन चीज़ें लेनी है एक्सेसरीज के तौर पर, तो एक्सेसरीज के लूँगा लगवाऊंगा, वो देखते हैं कि वो शायद नेक्स्ट वीक ही करूँगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आजकल मैं कुछ ट्रिप प्लान करें तो वो भी देखना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 7-8 दिन हो गए और ज़्यादा दिन हो गए, 7 दिन तो गाड़ी दिए हुए हो गए, बैंगलोर से आए हुए लगभग एक आध हफ्ता से ज़्यादा ही हो गया है, तो कहीं निकलना भी होगा, तो उसके लिए भी बाहर निकलना, तो देखते हैं भी क्या आता है, वो तो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल डिनर विनर तो हो गया था, बढ़िया आराम से अपना खा पी रहा था, ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि गर्मी जैसे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे खाने पीने की इच्छा थोड़ी कम हो जाती है, गर्मी में खाना पीना कम हो जाता, तो कोशिश आप लोग भी एक ही किया करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें। अभी फिलहाल सोनिया गई हुई है पार्लर, क्योंकि उसको अपना कुछ बालों का कुछ वो कराना था, स्ट्रेटनिंग वगैरह जो भी है, मैं यहाँ जा नहीं पाया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, मैं बहुत थक गया था, फिर रात में मतलब शाम में रात में बाल कटाते नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं अब एक आध दिन बाद या परसों देखूंगा, क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा तो फ्राइडे देखूंगा। अभी फिलहाल वो पार्लर गई हुई है, वो अभी लगभग आधे पौन घंटे में आ जाएगी, खाना पीना हो ही गया था, वो अपना वॉक करते गई, उसके उधर वो पार्लर खुला हुआ था, क्योंकि उसको भी काफ़ी दिन से जाना था और मुझे तो बहुत दिनों से जाना है, पता नहीं कितने सालों से मैं जाने के लिए बैठा हूँ, कभी ये जानवर से इंसान बनूँ, तो मैं कल अपनी परसों जाऊँगा, तो फिलहाल भी वो आ जाए, उसके बाद नब काम धाम निपटाएंगे फिर सो जाएंगे। कैरा स्मूथ हाईलाइट और ग्लोबल प्लस ये बाल भी ठीक करने हैं विदाउट केमिकल, बताना हो सकते हैं कि नहीं होता, हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम एंड में बताना हमने क्या किया मैम। ठीक है तो गाइस अभी आज ये बहुत बढ़िया नौटंकी क्या होगी, सुनिया गई थी पार्लर, अभी उसका लगभग 1.5 घंटा हो गया, तो इन लोगों का तो वैसे भी पार्लर अगर घुस गई तो बहुत टाइम लगता है, कहीं ये कराना कहीं वो कराना, तो कहीं ये हो जाता है, तो कहीं यहाँ ये सब वो सब मास्क ये वो फेशियल वाला सब होने लग जाता है। अभी स्ट्रेटनिंग कुछ करा रही थी, वहाँ पे पार्लर चली गई लाइट चल गई वहाँ के भाई, वहाँ पे वो कुछ पता नहीं बालों में कुछ लगवा कर बैठी होंगी, जिसको फिर बाद में ड्रायर कराना होगा, ड्रायर से कुछ करना होगा, भाई समस्या होगी, तो वहाँ से अभी यकीन नहीं मानोगे, आपने शायद ही ऐसा कहीं देखा हो, पार्लर से भाई 3 बंदों को लेकर गए, वही पार्लर के 3 बंदे यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर योगे यहाँ लाइट आ रही है, पार्लर में तो लाइट चली गई, तो यहाँ पर लाइट आ रही है, तो यहाँ पे अभी काम चल रहा है भैया, सब पूरा पार्लर घर में ही आ गया, तो लो अभी मैं दिखाता हूँ। सैलून वालों को ही घर बुलाना पड़ गया भाई आज, तो क्या मजबूरी हुई है, कैसा लगा फर्स्ट टाइम हो गया सर? हाँ जी मैम पहली बार आ रहे हैं, जाते हो घर पैसे वैसे जाते हो बुकिंग पे बट वैसे नहीं जाते हैं ना, वो मैडम बता रही थी सलोन पे लाइट चली गई थी ना आज घर आना पड़ा इसलिए आई नहीं थी, आधे घंटा तो देखा बत्ती जाने का नतीजा ये होता है। खैर ये इनका ये निपट जाए, सैलून वालों का काम निपट जाए, हम आदमी हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ कुछ नहीं, हम पार्लर ही नहीं जा पा रहे, नाई की दुकान ही नहीं जा पा रहे, इनका तो अलग ही चल रहा है, वो भाई पार्लर पर लाइट चली गई कंटेंट मिल गया भाई, वो लोग भी यहाँ पर आ गया, वो लोग भी आ गए कि हाँ मैडम घर जा करके कर देंगे, ये है वो है आ गए भैया ड्रायर वायर लेकर के बाल सुखा रहे हैं, ड्रायर चल रहा है ये चल रहा है ये वो है वो, मैं अपना उधर लेटी हुई हूँ, ये पैदल इनका ये चल रहा है, मैंने कहा चलो यार ठीक है जो भी है सही है, उधर लाइट चल गई क्या कर सकते थे फिलहाल, और इनका जो हो जाए उसके बाद हम अपना काम धाम निपटाएंगे और उसके बाद फटाफट से टंगी मार के सो जाएंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो कमेंट करके बताना कि आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हादसा ही बोल सकते हैं इसको, या ऐसा वाकया बोल सकते हैं, फनी मोमेंट हुआ है कि नहीं हुआ तो कमेंट करके बताना। बाकी गाड़ी आपको कैसे लगी, क्या अगर उसमें आपको कुछ ऐसा कुछ दिखा कि नहीं ये सही नहीं लग रहा है या इसको ठीक और होना था, तो वो कमेंट करके बताना। ठीक है मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बढ़िया रहें, गर्मी से बचे रहें, enjoy, bye bye.